परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए मंच पर आसीन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते आदरणीय भीमराव यशवंत अम्बेडकर साहब, नेशनल प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कमांडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ समता सैनिक दल, उसी तरह आदरणीय चंद्रभान बोधि पाटिल जी नेशनल प्रेसिडेंट बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसी तरह हमारे आदरणीय डॉक्टर हरीश रावलिया साहब ट्रस्टी चेयरपर्सन, हमारे स्नेहा अम्बेडकर टीवी न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जे बी राजू साहब, डॉक्टर के शिवा भाग्यराव साहब फाउंडर चेयरमैन, और मेरे बहुत अजीज मित्र। मैं जब पहली बार तेलंगाना में आया और उस समय यही 4 साल पहले की बात है, और मैं पहली बार एक अपना बहुजन न्यूज़ चैनल के रूम में जब शिरकत की मैंने, तो मैंने सबसे पहले डॉक्टर शिवा भाग्यराव को बहुत बहुत साधुवाद दिया कि इतना सुंदर काम, एक डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स का पोस्ट को बाजू में रख के बाबा साहब के कारवा पे वो निकले। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज के इस शुभ दिन पे। और मुझे जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, उनकी मंशा जाहिर की कि मैं ये चैनल ना सिर्फ तेलुगु मराठी हिंदी इंग्लिश में जो ले जाने की उनकी जो भावना है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारा संगठन आज पूरे 25 राज्य में, भारत के 25 राज्य में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल इज वर्किंग, और हमारा पूरा सपोर्ट आपके इस चैनल को रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे हमारी बहन ने कहा कि जिस तरह से कोई भी पंछी बिना पंखे नहीं उड़ सकता, उसी तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना मीडिया के नहीं आगे जा सकता है, तो मैं भाग्यराव साहब को ये भी कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की जो 3 संगठन मातृ संगठन थी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, और बाबा साहब ने एक रिपब्लिकन पार्टी भी बनाई थी जो इतिहास गवाह है, मैं चाहूँगा कि ये ऑर्गेनाइजेशंस को, आपका मीडिया इसको पूरी तरह से सपोर्ट करे। तो लेट अस रीराइट, लेट अस फॉलो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, व्हाट ही हैज गिवन अस एवरीथिंग, टेक एनी सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड यू फाइंड द थॉट्स ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर। हमको हमारा दिमाग तो कुछ लगाना, हमें तो जस्ट फॉलो करना है, जस्ट टेक द थॉट्स द राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर एंड फॉलो इट वट एवर वे एनी इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट। साथियों, मैं ज़्यादा समय ना लग के मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्य जो मेहमान हैं उनको सब सुने और आगे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। और मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से कई करोड़ों लोग जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं बाबा साहब की धम्म क्रांति में, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आपके चैनल पूरे हमारे हर कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। हमारे समता सैनिक दल जो आज जिस तरह से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आदरणीय भीमराव यशवंत अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में एक जगह आई, उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई गुटों में बटा हुआ समता सैनिक दल भी आदरणीय भीमराव साहब के नेतृत्व में आया है पूरे देश में। और जिस तरह से बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आज आने वाले समय में आपको और हमको मिल के इस कारवा के, बाबा साहब की इस कारवा को पूरी ताकत के साथ में, तन मन और धन के साथ में अगर आपने ठाना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मन में सोचिए कि आपका जो वोट जो अधिकार है वो किंग मेकर का पावर है। आप जिसके तरफ चले जाएंगे वो जीत जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में मात्र 50 और 100 वोट से रिजल्ट लगता है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और वी नीड टू वर्क हार्ड, और मैं आपको धम्म क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति और राजकीय क्रांति जो बाबा साहब ने दी है, उसको मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि मिल आओ, हम मिलजुल के इस बाबा साहब की कारवा को आगे बढ़ाएं। और ये कहते हुए 2 शब्द पूरे करता हूँ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।